नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर में होंडेवाला गांव के पास महाशक्ति कॉलोनी में एक बाइक पर आए तीन बदमाशों ने लोहे की रॉड से वार कर टिफिन सर्विस करने वाले जसपाल सिंह की हत्या कर दी। वो जगाधरी गोमती मोहल्ले का रहने वाला था। आरोपियों ने रॉड से जसपाल की टांगे और बाजुओं को तोड़ दिया। उसके सिर एवं कमर पर भी चोट के निशान हैं। आरोपी जसपाल को अधमरा कर फरार हो गए। उसे ई रिक्शा चालक ने उपचार के लिए सिविल अस्पताल जगाधरी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर DSP राजेश कुमार, थाना शहर जगाधरी, SHO जनक राज और CIA ने मौके का मुआयना किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है। हत्या क्यों की गई इसका खुलासा अभी नहीं हो सका है। इस हमले में जसपाल के साले अनु को भी चोटें लगी हैं। अनु ने बताया कि गोमती मोहल्ले में वो अपने जीजा जसपाल सिंह के साथ ही रहता है। जसपाल का टिफिन सर्विस का काम था। वो लोगों को कमीशन पर कमरे किराए पर दिलाने का काम भी करता था। जसपाल के मोबाइल पर अनजान नंबर से फ़ोन आया था कि उन्हें कमरा किराए पर लेना है, इसलिए वो रतौली रोड पर होंडेवाला में महाशक्ति कॉलोनी में आ जाएं। वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जब उसके पास फ़ोन आया तो वो कल्याण नगर में किसी काम से गए थे। वो और जीजा महाशक्ति कॉलोनी पहुंच गए, तभी तीन युवकों ने लोहे की रॉड से जसपाल पर हमला कर दिया। वो बीच बचाव करने लगा तो हमलावरों ने उसे भी मारा और धमकी दी। अनु ने बताया कि उसने शोर मचाया मगर कोई मदद के लिए बाहर नहीं आया। जसपाल की टांगे और बाजू टूट चुकी थी, शरीर में जगह जगह से खून बह रहा था। इसके बाद उसे मृत समझकर हमलावर बिना नंबर की बाइक पर फरार हो गए। मृतक की माँ परमजीत कौर और बहन जसमीत का रो रो कर बुरा हाल था। बहन खुद को संभाल न सकी और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। वारदात स्थल के पास एक घर के बाहर CCTV लगा मिला, लेकिन तब परिवार वहां ताला लगाकर कहीं गया था। पुलिस के काफी प्रयास के बाद भी उन्हें मकान मालिक का नंबर नहीं मिला। मृतक के छोटे भाई गोमती मोहल्ला निवासी मंजीत सिंह ने बताया कि उसके भाई की किसी से रंजिश नहीं थी, वो साधारण जीवन बिता रहा था। आज भी वो कीपैड वाला मोबाइल रखता था। वारदात के बाद वो पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे तो उसी दौरान हमलावर एक बार मौके पर देखने आए। जब अरुण ने उन्हें पहचान लिया तो वो उनके पीछे भागे, लेकिन फरार हो गए। DSP राजेश कुमार का कहना है कि पुलिस ने मौके का मुआयना किया है, वहां लगे CCTV की फुटेज की जांच की जाएगी। प्रारंभिक जांच में यही पता चला है कि किसी ने उसे फ़ोन करके बुलाया था। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। जल्द ही हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। जसबीर जी, हुआ क्या ये? बस मुझे तुझे फ़ोन आया था कि ऐसे की बात हो गई है। मैं भी हॉस्पिटल आई हूँ तो डॉक्टर ने कहा, जवाब दे दिया डॉक्टर ने। तो मरने वाले का क्या नाम है और क्या लगता है आपका? जसपाल सिंह मेरा भाई था। क्या काम करते हैं ये? टिफिन का काम करता था। कहाँ का रहने वाला है? गोमती मोहल्ले जगाधरी। तो झगड़ा कहाँ हुआ इसका? झगड़ा जो तीन लड़के थे उन्होंने बुलाया था धोखे से। कहाँ पे? साला था जी उनके साथ ना, साला ही सारी आपको डिटेल देगा, उसको सारा पता है। कोई कह रहा बल्ला रोड, कोई कहता कल्याण नगर, नहीं पता हमें, कोई जानकारी नहीं हुई। क्योंकि जब मैं आई हूँ तो यहाँ जब पुलिस वाले आए तो वो लेके गए हैं ब्रदर को शिनाख्त के लिए जगह पे, और वो साला भी साथ ही है जसपाल सिंह का। तो ये शादीशुदा है? हाँ जी शादीशुदा है, दो बच्चे हैं। बच्चों की उम्र कितनी है? 4 साल 7 साल लड़की है, 4 साल लड़का है। मामला हुआ है यहाँ पर, आज हमें सूचना मिली थी कि रतौली रोड पर जो ये होंडेवाला फार्म है, यहाँ पे तीन लड़कों ने और एक लड़की की हत्या कर दी है, जिसके बाद पुलिस को जो SHO CT जगाधरी हैं वो मौके पे पहुँचे थे, और हमारी दूसरी टीमें हैं वो भी मौके पे पहुँची हैं। मैं खुद भी यहाँ पे आया हूँ। तो हमें ये सूचना मिली है कि जो मरने वाला लड़का है उसको किसी ने फ़ोन करके बुलाया है वहाँ पे, इस बहाने से कि उसको कोई कमरा किराए पे दिखाना। ये जसपाल सिंह है जो 37 साल के आसपास इसकी उम्र है, और ये टिफ़िन सप्लाई का काम करता था, साथ में किराए के मकान लेकर के उनके कमरे जो किराए पे चढ़ा करके उसका भी इसका बिजनेस था। तो उसी सिलसिले में इसको यहाँ पर बुलाया गया था, और यहाँ आने के बाद तीन लड़कों ने इसके साथ मारपीट करके उसकी हत्या की। तो क्या अभी हर एंगल से हमारी टीम में लगी हुई है, तो जल्द ही जो भी इसमें शामिल लोग थे उनको पकड़ेगा। अभी जो मकान मालिक है जिनके घर पे CCTV फुटेज है उनसे हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही उनसे हमारा संपर्क होता है तो इसके बाद जो CCTV कैमरा की फुटेज है उसके बारे में पता किया। सर मृतक कुछ है तो उसको
हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।